अगर आप खुद को भाई या बहन किसी एक प्रजाति में समझते हैं तो बाकी की प्रजातियां कुछ भी कर सकती है। ओके, देखते हैं आप कौन है नई प्रजाति में से। तीसरा जो एक आता है अदर्स करके ऑप्शन, शायद कर लिया जाएगा, अभी थोड़ी देर में ही साबित हो जाएगा अदर्स में कौन है। तीन आता है ना, मेल फीमेल एंड अदर्स, अब देख लेना थोड़ी देर में एक आध निकलेगा हमारे बीच में से। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, एक चीज बाकी रह गई नहीं थी आपको पढ़ाना, वो पढ़ा देता हूँ। एक चीज जो बाकी थी वो क्लियर करवा देता हूँ, जो भी रहा था बाकी वो है ना, चलो करवा देते हैं बिल्कुल ही क्लियर। जो एक चीज आपसे गुफ्तगू करनी थी वो है ना, कुल मिलाकर बात यह है कि बात यही है। टॉपिक एक मैं समझाया था हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, उसके अंदर एक चीज बाकी रह गई थी समझाना। चीज यह थी कि मेरे पास ए है सॉलिड है, बी है गैस है, सी जो है वो सॉलिड है और डी जो है वो गैस है। मतलब ऐसा है, ए सॉलिड प्लस बी गैस गिव सी सॉलिड प्लस डी गैस, ऐसा कुछ है अपने पास कुल मिलाकर। अब बात यह है कि यही बात है, इसका के इक्विलिब्रियम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे के इक्विलिब्रियम सी सॉलिड इंटू डी गैस इंटू ए सॉलिड इंटू लिखते तो ऐसे ही टाइमिंग चल रहा है ना। बात यह है कि सॉलिड और लिक्विड इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है गैस के मुकाबले। किसके मुकाबले? क्या ज्यादा होती है डेंसिटी? समझते डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास रहता है। अब है ना आपके पास गैस है, क्या है पूरा बॉटल भर के गैस है, कितना मास होगा उसका? कोई मास ही नहीं होगा, नहीं समझे? ये पूरा बॉटल भर के मेरे पास गैस है, इसमें गैस का वेट क्या? कुछ नहीं, पूरा बॉटल भर के लिक्विड होता था और सॉलिड होता था, उससे भी ज्यादा वेट होता। कम वॉल्यूम में जिसका वेट ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, समझ गए ना। और डेंसिटी ही एक्टिव मास के लिए एक जरूरी चीज होती है। और क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस है, तो गैस जो है वो ज्यादा यूज होता होगा और सॉलिड लिक्विड उसके मुकाबले कम यूज होते हैं, क्योंकि कम वॉल्यूम में ज्यादा आ गया अमाउंट और पहले तो इतना था नहीं डेवलप सब कुछ कंसंट्रेशन। तो उस टाइम ये था कि हम सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, अगर गैस के मुकाबले सॉलिड लिक्विड है तो उनकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंज हो रहा है उसको इग्नोर करते थे। क्या करते थे? और सिर्फ हम गैस को ही ध्यान में लेते थे, सॉलिड को ध्यान में नहीं लेते थे, क्योंकि उनका जो चेंज था वो माइनर चेंज था। देखो इसकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, हैवी चेंज, इतना यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, समझ गए? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाया ये नहीं, समझाएगी नहीं। अब मैं है ना आपको एक ऐसे मारू, ऐसे खाली कुछ हुआ कृषि को इतना करके दिखाओ तो रोने लगेगा, क्योंकि इसके इसके लिए ये भी क्या हैवी है, आपके लिए ये इग्नोरेबल था। कैसा था? मारा नहीं था ये, तो खाली ऐसे ही शाबाशी देते बस, खाली कृषि को इतना भी करूँगा रोने लगेगा, उसको लगेगा साला कुछ पड़ा है ऐसे, छोटा है ना। तो यही चीजें होती है सब, तो ये है ना, मतलब छोटे लोग हैं तो इसके तो थोड़ा भी वेरिएशन आएगा बड़ा होकर दिखाएगा, इसके सामने इतना वेरिएशन कम होगा, डेंसिटी ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, क्लियर?
तो हम क्या करेंगे, सॉलिड को इग्नोर कर देंगे। किसको इग्नोर कर देंगे? सॉलिड को। तो उसके लिए एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, जिसको आप कुछ भी बोल दो। देखो कैसे लिया जाता है नया कांस्टेंट, ऐसे लिया जाता है कि डी डिवाइड बाय ए, ऐसा करके एक नया कांस्टेंट लिया जाता है। क्लियर है, समझ गए? अभी इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। कई बार ऐसा भी लिख के दे देते हैं, वन बाय के इज इक्वल टू ए सॉलिड डी सॉलिड, ऐसा करके। डी सॉलिड है गैस, सी ओके, सी लेना है हमें। सॉलिड को इग्नोर करना है, इसको सॉलिड, चलो ये सी सॉलिड हमें इग्नोर, इसको हमें के लिखो या फिर वन में समझ। जो इग्नोर हुआ वो सभी साइड आ जाएगा, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमने ये लिया के इक्विलिब्रियम, विच से इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन बाय के, जो इग्नोर हुआ वो सब मल्टीप्लाई में ले लिया, तो क्या बचा आपके पास? डी गैस डिवाइड बाय बी गैस, ये कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, जो नया कांस्टेंट है उसको ही क्या बोल देंगे, के बी। क्या बोल देंगे? के बी। क्यों के बी बोल? पूरा नहीं लिखना होता है, इसका केपी लिखना है तो एक रिएक्शन रहता है और लिखकर लिखा। चलो सी ए सी ओ थ्री सॉलिड गिव्स सी ए सॉलिड प्लस सी ओ टू गैस, इक्विलिब्रियम लिख के दिखाओ फिर केपी लिख के दिखाओ। और मैं बोलूं केपी लिखना है ना, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं दिखाना चाहिए, क्या आएगा? पी। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? पी। मान सिंह, समझ रहे हो? लड़कियों के नाम भी कितने खतरनाक, मान सिंह, सबके नाम बचता है यहाँ पे, मान सिंह, सिंह बहुत है यहाँ पे, तो फिर गिर क्यों जाएगा? रिजर्व एरिया करवाना चाहिए। हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बात करके कितने सारे सी हैं यहाँ, मेल फीमेल, मतलब बात करनी चाहिए कि भाई इसको रिजर्व एरिया में रखा जाए, यहाँ पे सी ज्यादा बसते हैं, भोपाल सी सही है कि नहीं? तो वन नाम डबल सी जी, ओके। कल फोन आया घर लो, मुझे कल चाहे फोन करो लो, कहीं निकले आया बस सुबह जी पति की दूर। क्यों बोले जोरदार है पापा? नवल सिंह वरुण नैनावा तो बोलो बोलो क्या चक्रपाल हॉस्टल आपो फोन मैं तो घरे छू तो बन के आपो सो आपो घरे छू बन के त्याग कौन छे मैं तो प्रवीण सिंह 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 ओके तो ये हमने नंबर आपो हाड़ू खबर नहीं अंदर मोबाइल में अपडेट मांगू तुम सुसाइड ना था मैसेज अच्छी वाईफाई भी कनेक्ट करियो फोन वही सेंड है यार तो फोन कर बटे नहीं करी बात मान दो तो सॉल्व जाएगी यू सेंड आई बस सवाई सी बुक अच्छी कोई फॉल्ट वॉल्ट नहीं ना हमारे नव नॉवल है जो सागर सिंह हाल क्या है सागर सिंह
कोई हीरा लाल बन्ना लाल की जोड़ी देखी है ना મોટી હજાર આપણે ના નહી પાડવાની આપણને ખાલી એવું કેતા હોય સમજુ દે ભેગે અને ઈમોન ઈમો આપણે માર ખાઈ જઈએ કોક વાર લડાઈ લડાઈ વગર લેવા દેવાની અને એ લોકો એમ કોઈ ના હોય પાછું એ લોકો એકબીજાને બર્થડે વિશ કરતા હોય શું ઈમો વ્યવહાર હેડતો હોય છોકરા છોકરીઓ ના ગઈ જતી હોય પણ એકબીજા હા એવું જ છે આ તો ખાલી આપણે લડાઈ રાખે અંદર અંદર HNO3 liquid बनो एड हो क्या बनेगा इसका केसी ही बनेगा केपी नहीं बनेगा डाया ओके एक भी गैस नहीं है बद्दे के बद्दे ध्यान रखना एक्वियस जो है वो गैस के जैसा समझने का लेकिन केपी नहीं केसी बनाने का बना वो तो मैं देख लूंगा हाँ चाहे खोटा सबका बुद्धि हो थोड़ी बहुत आपके पास भी बेड़ों का मैचिंग कह रहे हैं इस पर तो मैंने मैचिंग लाया थोड़ा आम कर देना जो बद्दू मैचिंग पेन टी शर्ट ना कर જરૂર પડે એટલે બધા ફોટા મૂકી દેવું તમને બરાબર રાતે પાર્ટી ના આગળ ના આવે તમારી તો બતાવી દે કાલ મુજબ તો આવ્યા બધાને બધી પિયુષ બરાબર ખાઈ પી લઈશ પછી.
किलोमीटर राउंड थोड़ी मार तो चालू आज तो नहीं वही होंगे ऑटो आ गया था खाली रात से इतना ही जो ऊपर हेडता है तो ऑटो मारा એટલે એમ નહીં આ તો હવે રેવા આવ્યો એટલે નગર રાતે હું કૃષિ સાયકલ લઈને ઢેંકડી પડ્યો તો 5-5 કિલોમીટર તો એમ નહીં ગોઈ રોકી ખાલી વગર કારણે એમાં થઈ ગયું હેડું તો પડે શરીર સુવા વાલી બહુ હોય પપ્પા વાંચી બધા હેડે દાસે આટલા હે તો એ લાગે નહીં મળો તો મારો પપ્પા એવું તમને એવું લાગશે મોટા ભાઈ જો એમની સાહેબ ગોરા એમાં પપ્પા કાળા પણ બસ એવી રીતે બોડી ફીટ છે આખું ખબર બસ સાહેબ કેવું રાખે બોડી એવું એવું જોઈએ થઈ જાય એનું ચિંતા ના કરે ધીમે આપણો કોઈ ઉતાવળ નહીં બધું થઈ જશે ટેન્શન નહીં લેવાનું એવો ક્યાં બને ગઈ એવું છે આપણું જોઈ લેવાનું આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્યાં હોગા આયા હોય ચલો એજી સી આ એક્વિયસ કોણ કરે મોહાજે બરોબર એચએન થ્રી એક્વિયસ જો પર कौन सा नहीं लेना है ये नहीं लेना है इन्हें ये नहीं तो नहीं लेना है तो बस इसके बाद लेके आएगा 1/k तो 1/k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/ करके लेना है फिर डिवाइड बाय डिवाइड तो नया कांस्टेंट है कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट तो न्यू कांस्टेंट ऐसा ही होता है बाकी मेरे को पता नहीं मल्टीप्लाई में कुछ होता होगा तो वह आपको प्रवेश से ही जानना पड़ेगा बाकी डिवाइड बाय डिवाइड में तो नया है वो तो पता है बराबर तो इसका 1/k बनेगा समझ गए ना उल्टा करके इसका तो उल्टा करने में शर्माने का नहीं इतना नहीं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये केसी बनेगा आपकी बार ये भी नहीं बनेगा तो एक्वियस लेंगे बाकी सब इग्नोर कर देंगे तो कभी कभार ऐसा दे दे तो समझ लेना है गैस और सॉलिड में गैस लेना है सॉलिड को इग्नोर करना है गैस और लिक्विड में गैस लेना है लिक्विड को इग्नोर करना है एक्वियस के साथ कुछ भी है सब इग्नोर करके एक्वियस लेना सर सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वियस हो तो गैस एक्वियस लेना है बाकी सब इग्नोर और गैस एक्वियस दो ले लो केपी आएगा केसी फिर केसी आएगा फिर क्या आएगा केसी सबका है केपी खाली गैस है केपी तभी आएगा जब सब कुछ गैसियस फॉर्म में रहेगा और केसी तो कभी भी आ सकता है मान लो दो दो एक्वियस एक गैस है केसी लगा सकते हो आप तो एक्वियस एक गैस है आप केसी लगा सकते हो हाँ तो उल्टा तो हो गया ना ये उल्टा नहीं होगा ये सीधा रहेगा वो तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई में मेरे को पता नहीं है मैथ्स क्या बताता है वो इसीलिए मैं डिवाइडेशन करके ही नया कांस्टेंट बनाता हूँ बस बाकी ये तो सीधा रहेगा अच्छा हो गया ना अच्छा इजी है दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत ओके लेटाइज वेटाइज की बात हो गई थी चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर क्या है एसिड बेस है एसिड बेस ही है ना सुन लो गांव वालों सुन लो अब है ना डायरेक्ट नया टॉपिक चालू हो रहा है एसिड बेस ने सॉल्ट ने ऐसा सब कुछ है ना स्टैंडर्ड 10 की याद आएगी आपको वापिस से एसिड बेस में सबसे पहला कांसेप्ट दिया था रॉबर्ट बॉयल ने किसने दिया था ऐसा माना गया है कि 300 साल पहले ये कंसेप्ट दिया गया था उस बात को 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते अभी चेंज नहीं आया मैं कैसे चेंज करूं
मतलब मैं जब पहले दिन पढ़ाया था तब ये था कि भी 300 साल पहले रॉबर्ट वाइल्ड ने ये कंसेप्ट दिया था, कि दूसरे ईयर मैंने सोचा कि 301 लिखा हुआ आएगा, नहीं आया, कोई नहीं, मैं बोला भूल गए, 5 साल बाद में 305 ईयर होने चाहिए, नहीं अब 300 ही लिखा है वो है, तो चलो 300 साल पहले रॉबर्ट वाइल्ड ने कहा था। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, बीटर, तो सॉल्ट, सॉर, एसिड जो है वो सॉर होते हैं, एस ओ यू आर, एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, और जो स्किन को डैमेज कर सकता है एसिड, हमारी स्किन के लिए थोड़े मतलब हार्मफुल होते हैं, एच ए आर एम, वो आप समझ लो, तो वो है स्किन के लिए ऐसे होते हैं। एसिड जो है वो लिटमस को वाला वाला ब्लू से रेड करते हैं, कैसा करते हैं, ब्लू से मतलब बी जी बी आर है ना, ब्लू से रेड करेंगे कौन, एसिड लिटमस को, जो रॉबर्ट वाइल्ड ने कहा वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा यह है कि मेटल के ऊपर डाल दिया जाए उसको, इसके तो वो डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइहाइड्रोजन, बेस जो है वो बीटर होते हैं, बीटर ही होते हैं, और कुछ जो बेस है वो स्किन डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि एनिवाइज वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए उसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सब बेस तो ऐसे नहीं है, एक आध दो बेस है जो स्किन को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, लिखना मत आप जीनियस लोगों की फौज, जनरली बेस है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कुछ बेस ऐसे है जो कुछ मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, एल्यूमिनियम क्रोमियम और जिंक जैसे मेटल के साथ, एल्यूमिनियम क्रोमियम और जिंक, आलिया तुम्हारा कर हम दे, तुम तुम्हारा कर हमें दे दो, हम तुम्हें जाने मन बना देंगे, आलिया तुम अपना हाथ मुझे दे दो, हम तुम्हें जान बना देंगे, समझ गया कि नहीं, एल्यूमिनियम आलिया कर यानी हाथ, संस्कृत का ये शब्द है कर, करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, है कि नहीं ऐसा कुछ, नहीं है, होगा पता नहीं मेरे को, है ना, अरे आया था पहले पढ़ने में, कहाँ थे हम, हाँ तो क्रोमियम एल्यूमिनियम और जिंक, ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती है बेस के साथ भी, बाकी बेस के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता। ये सारी की सारी बातें हमारे पुराने ससुर जी रॉबर्ट वाइल्ड ने बताई थी, है ना, अब इसकी लड़की की फोटो देख, नमस्ते, चल, उसके बाद रॉबर्ट वाइल्ड के बाद आया आयनियस, कौन आया, तो ये जो बता के चला गया रॉबर्ट वाइल्ड, और रॉबर्ट वाइल्ड की जितनी भी डेफिनेशन थी वो सब थी, क्या बोले अब इंग्लिश में उसको, कुछ बोलते हैं गुजराती में संक्रियात्मक कहते हैं उसको, मतलब कोई मतलब कंसेप्ट बिना कंसेप्ट की थी, उसको मन घड़त थी उसकी सब बात, ये कहें मन घड़त तो नहीं थी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट थी, तो क्या कहेंगे उसको, ऐसे बाहर से देख के डिसाइड किया गया था, हाँ तो ये हाइपोथेसिस डिपेंडेंट बातें थी, कंसेप्चुअल नहीं था, रॉबर्ट वाइल्ड की कोई बात में कहीं कंसेप्ट नहीं था, मतलब ये सारी हाइपोथेटिकल्स थ्योरीज है एसिड के बारे में या बेस के बारे में, तो रॉबर्ट वाइल्ड इज नॉट अ कंसेप्चुअल, ऐसा आप लिख सकते हैं, इट्स ओनली हाइपोथेटिकल विचारक ऑफ एसिड बेस एंड हाइपोथेटिकल फिलोसोफर, है ना, जो भी है वही था ये आदमी, है ना। इसके बाद बात कंसेप्ट पे जाने लगी, है ना, आयनियस का आना और कंसेप्ट
लेके आना। INS की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी कंसेप्चुअल डेफिनेशन थी। अहर्नियस, 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 AR आगे है आई, लास्ट में ऐसा आएगा। ओके, तो वो अहर्नियस जो है, अहर्नियस क्या बोले आप? अहर्नियस। ओके, मारवाड़ी ट्रेन थोड़ी गिरी है। अहर्नियस ये गावड़ी के हम तो उसकेरी कर से अठवाड़ी फॉर्म में रह से हम तो अरे एनियस है वो बराबर 1884 में आया था एनियस। मैं टीचिंग फील्ड की सबसे पहली गलती, थैंक यू साक्षी बेटा, है ना, 1884 मैं टीचिंग में आया उस दिन की मेरी सबसे पहली गलती। एनियस कब आया था मैं भूल गया था, है ना, साक्षी शर्मा करके, शर्मा साक्षी जितेंद्र भाई, उसने मेरे को याद करवाया था, उसको थैंक यू कह रहा हूँ यहाँ से वीडियो से, है ना। शायद 15 अगस्त 2013 का दिन था वो, है ना। चलो कोई नहीं, मैं पूरा शर्ट भीगा हुआ था, फर्स्ट लेक्चर था मेरा और 10th के अंदर चैप्टर नंबर 7 करके आता है एसिड बेस सॉल्ट, पुरानी बुक जो है उसमें, और पहला ही डेमो क्लास था अपना, और बस मैं रॉबर्ट वाइल पढ़ा के जैसे ही चालू कर रहा था INS, तो ऐसा लिखा था फ्रेडरिक साइंटिस्ट स्वांते INS, मैंने बोल दिया 1984, जैसे ही बोला धड़ा सोचना सा हाथ ऊपर गया, बोला गलत, अंदर 1884 लिखा है। अब पहला ही डेमो क्लास, आज तक कभी टीचिंग टीचर्स डे को भी टीचर नहीं बनाना है ऐसा आदमी, और पहला क्लास, पहली क्लास में पेज चल, अब क्या किया होगा, चलो क्या किया होगा मैंने, हैं, अरे डर गया होगा, घबरा गया होगा, क्या किया, एकदम से कंडीशन मैनेज किया था, पता नहीं माता रानी पहले से साथ ही अपने, मैं जोरदार तालियां, बेटा आपका नाम क्या है, साक्षी शर्मा, मतलब शर्मा साक्षी जितेंद्र भाई, अगला छोकरे बैठे जोरदार ताली, वेरी गुड, एकदम से बाजी छे। उस दिन तो मैं, अभी मेरा नॉलेज तो उनको पता नहीं था क्या है क्या नहीं, और मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता था कि अभी ये, और ऐसा कोई पूछने वाला क्वेश्चन थोड़ी था, लेकिन वो 10th के बच्चे अभी उनको क्या समझाए, वो अपन उस टाइम सागर थे, कोई बड़ा नाम भी नहीं था मार्केट में, और कुछ पता ही, एक बार जोरदार ताली, मैं तो साक्षी बैठा, वेरी गुड बेटा, ગરમી બહુ હતી વખતે, ઉપર ના માળે ક્લાસ હતો, શૈલેષ બી ચાલી ગયું, INS ने क्या बताया था सुन लो यहाँ पे। INS का जो कंसेप्ट था उसमें सबसे बड़ी गलती कर दिया एक्वियस सॉल्यूशन बोल के उसने। INS की सबसे बड़ी गलती एक्वियस बोलना। INS ने ये बोला एक्वियस, बस वही मार खा गया, वो मर गया ये बोल के, गलती कर गया। इसने ये बोला कि एक्वियस सॉल्यूशन में जो H प्लस प्रोड्यूस करता है वो एसिड है, एक्वियस सॉल्यूशन में जो H प्लस प्रोड्यूस करता है वो एसिड, यही गलती थी उसकी। एक्वियस सॉल्यूशन में क्या करे, H प्लस प्रोड्यूस करे वो क्या है, एसिड ना, खाली ऐसे ही बोला होता कि जो सॉल्यूशन में H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड, तो क्या जाता था उसके पापा का, डाया था। एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस प्रोड्यूस करे वही एसिड, और उसी में लंका लुट गई उसकी, समझ गए। तो बहुत बड़ी गलती थी INS की, और एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जो OH माइनस प्रोड्यूस करे वो बेस। हाँ उस टाइम में उसको बता भी नहीं सकता था कि ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं है, पूरा INS थ्योरी कुछ काम का नहीं था उस टाइम, लेकिन अब करे भी तो क्या है, मजा आ गई अब मेरे को। चलो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस फिर डेमो सक्सेस हुआ था, ऐसा कुछ था नहीं, एसिड, फिर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस तो बेस, बस इतना ही था।
और इसने ये बोला था कि आपके पास अगर एच प्लस है तो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में थोड़ा फर्क है, समझाता हूँ। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं और डिसोसिएशन किसे कहते हैं, क्लियर? जो चीज है वो टूटना डिसोसिएशन है, जो चीज नहीं है वो बन जाना टूट के आयोनाइजेशन है। सिंपली समझे, HCl है, इसको पानी में डाल रहे हैं, ये बना रहा है H प्लस और Cl माइनस, तो ये डिसोसिएशन है। क्या है? डिसोसिएशन। HCl है और क्या है? H2O है, ये इसको H प्लस दे दे और ये बना दे H3O प्लस। क्या बना दे? H3O प्लस, और दूसरा बने Cl माइनस, तो ये आयोनाइजेशन है। क्या है? आयोनाइजेशन। समझ में आया? तब कहीं पे भी H3O प्लस था बना, HCl में H प्लस था और Cl माइनस भी था, जो था वही निकला। डिसोसिएशन नहीं है, बन के उभरा, आयोनाइजेशन। यही चीज पानी बिना हो सॉल्वेशन। फिर से आयोनाइजेशन डिसोसिएशन एक्वियस सॉल्यूशन में होता है, सॉल्वेशन विदाउट वाटर होता है। खत्म हुआ। अब कितना बोल रहे CH3COOH प्लस NH3, ये इसको H प्लस दे दें और क्या बना दो? CH3COO माइनस और NH4 प्लस। अब है ना, तीनों रिएक्शन को ध्यान से समझो। ये क्या है? डिसोसिएशन है। क्या है? डिसोसिएशन। समझ? ये क्या है? आयोनाइजेशन। ये क्या है? सॉल्वेशन। यहाँ पे पानी नहीं है कहीं, एसिड है, अमोनिया, पानी कहाँ है? है ही नहीं। ये आयोनाइजेशन है कि नहीं है? क्योंकि इसने इसको एच दे के नया आयन फॉर्म किया। समझ गए? समझे कि नहीं? NH4Cl इसको हीट किया, NH3 प्लस HCl बना। क्या बना? इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं शास्त्रों में, हीट डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? चार रिएक्शन है, हीट डीकम्पोजिशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेशन। किसको फर्क समझ में आया? फिजिक्स समझ नहीं आता, फर्क कौन कौन समझे? समझा दो मेरे को, मैं भी समझा। आयन फॉर्म ही ना हो तो डीकम्पोजिशन। अब है ना, आईएमएस ने बोला था कि एक्वियस सॉल्यूशन में एच प्लस डिसोसिएट करे वह एसिड है। एक्वियस सॉल्यूशन में एच प्लस का डिसोसिएशन जो करे वह एसिड, और OH माइनस डिसोसिएट करे वो बेस। आयोनाइज आयोनाइज की बात नहीं थी, बात थी डिसोसिएट की। किसकी? अरे आईएमएस की। बात किसकी थी ऐसा पूछा। समझ गए? द कंपाउंड विच डिसोसिएट एच प्लस इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कनोन एज एसिड। वही कहते हैं ना कनोन, यार के होता है, आप नहीं बोलते, मैं क्या करूं, चल कच्चे इंग्लिश वाले। इज अरे चीज है, देखो अभी जो अंग्रेज लोग होते हैं पता है, वो आर है ना, जनरली बोलते ही नहीं है, वो बताया मैं नहीं बताया, आप कभी अंग्रेज से बात करना तो वो है ना आर नहीं बोलते, हू आर यू, द हू आर यू, ऐसे ही आर को काट देंगे। उनको पानी चाहिए हो, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, वाटर, वो आर बोलेंगे नहीं, है ना? अपना वाला इंग्लिश बोले जुबान आर एट टू दबाई बोलते जाने मेन आर अच्छा के इंग्लिश प्लीज गिव मी वाटर, हाउ आर यू,
आर इतना दबा के बोलेंगे जैसे पूरे अल्फाबेटिक्स में आ रही है भाई। और अंग्रेज जब बोलते हैं उनके लिए आर की कोई वैल्यू नहीं होती। आप उनका कोई भी सेंटेंस सुन लो, वो आर को इतना आर दबा देंगे कि कुछ बोलेंगे ही नहीं। अपने वाले जब इंग्लिश चालू करें आर को ऐसे निकाल निकाल दबा दबा के आर पे खड़े रहेंगे ऐसे। अरे अपने कोई भी अपने ऐसे नहीं रॉयल, कोई भी आप गुजरात वाले देख लो तो इतने हो ही हवा बस ताना आ तो हुआ मोद्रान भागा ना बेटा अगर गमने में फेरा हो झाड़ पर कुदा कूद कर ही भाड़ी दो એટલે છૂટ અલાય નહીં ખોટી ધોકા વાક્સી બોલતા હોય ને એમને પછી એનથી જ મજા આવે ખોટી છૂટ આલો એટલે પછી ડાયા થઈ જાય ન્યુ આર્ગેની જેમાં દર્શ નો પણ જાય તારી ઈચ્છા ઈચ્છા તો કેમ ઉપી આવે कासु नहीं है चप्पू लावानी है मन का था ना वो अनुभव एक्सपीरियंस पर्सन ला रहे तो मैं आपने बोला नॉलेज वगैरह बात क्यों सुनूं कान है समझ गए ना। अब इसने बता दिया था बहुत सारे कंपाउंड एसिड होते हैं, मान लो H, इसने एसिड का एक सिंबल भी दिया था H A4INS। वैसे तो इसने अपने नाम से ही दिया था, बाकी पब्लिक ने इसको कुछ भी बना दिया, H A ही गिर दिया उसने एसिड को, A4INS था उसने जो दिया था उसके हिसाब से, क्लियर। फिर लोगों ने बना दिया नहीं ये फोर एसिड था, एसिड को एसिड की हाई नहीं गया था पहले, बाद में एसिड कहा गया था। ढूंढ के लाना गूगल पर से एसिड को पहले क्या कहा गया था, वो इंग्लिश वर्ड ही है, एसिड को पहले एसिड कहा ही नहीं गया था, उसका दूसरा कोई नाम था जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा था, मैं भूल गया हूँ, याद था पर कभी अभी याद नहीं है। एसिड को एसिड नाम ही नहीं दिया था, और कुछ नाम था, फिर निकलते निकलते एसिड नाम रखा गया था, है ना। तो यहाँ पे ये एच ए है, ए मतलब ए वैसे तो आयनेस का होता है उसका मान सम्मान रखने के लिए, लेकिन ए मतलब नेगेटिव आयन, ए मतलब एन आयन देख लेंगे हम यहाँ पे, ए मतलब नेगेटिव आयन, ए मतलब आप सी एल माइनस समझ लो, एस ओ फोर टू माइनस समझ लो, NO3- माइनस समझ लो, कोई भी नेगेटिव आयन समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से आपको हाइड्रोजन सेट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको हाइड्रोजन सेटअप करने पड़ेंगे। H A है, H2A भी हो सकता है, H3A भी हो सकता है, चड्डी में दम है तो H4A भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा फट जाती है फिर, समझे। तो एच ए एच टू ए एच थ्री ए एच फोर ए, ये है मोनोबेजिक एसिड है, ये डायबेजिक है, ये ट्राइबेजिक है, ये टेट्राबेजिक है। एसिड को बेजिक ऐसा बोला जाता है, मोनोबेजिक डायबेजिक ट्राइबेजिक टेट्राबेजिक, प्रोटिक भी बोल सकते हो, मोनोप्रोटिक डायप्रोटिक ट्राइप्रोटिक टेट्राप्रोटिक ऐसा बोला जाता है, उसमें ज़्यादा किडनी पे जोर नहीं डालना है, ऐसा बोलते हैं ना आपको, ऐसा लिखना है एच ए मोनोबेजिक या फिर मोनोप्रोटिक, एच टू ए डायबेजिक या फिर डायप्रोटिक, अब लखिया लू सु बता, एच थ्री ए ट्राइबेजिक ट्राइप्रोटिक, एच फोर ए टेट्राबेजिक टेट्राप्रोटिक, बस नवा ही नहीं, हमें जो कोई मतलब नहीं है, वो कहवा है एसिड, जितने हाइड्रोजन है उसके हिसाब से उसकी प्रोटोसिटी होती है या फिर बेसिसिटी होती है। लखियो हाँ लखियो, वेरी गुड, बुक में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे,
अगर आपको नोट नहीं बनानी कोई टेंशन नहीं, बुक में लिखो। मैं कभी ये नहीं कहता मुझे नोट्स चाहिए, लिखा हुआ चाहिए। अच्छी जगह, अच्छी जगह सबसे मैं बुक को ही मानता हूँ। नोट्स क्या है, घर पे रह सकती है, भूल सकते हैं, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बुक है एक ही संभालनी है, लेके बुक में साथ में। हाँ, आपसे नहीं हो पा रहा है बुक में, आप नोट्स बनाओ फिर संभाल के रखना, चोरी ना हो जाए। और चोरी होती है मेरी बना बड़ी हुई नोट से, मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं नोट्स बनवाता नहीं, लेकिन जो अच्छा मेरी नोट अच्छे से लिखता है, चोरी हो जाती है कभी भी कभी। आप अच्छे इंसान होंगे, नहीं होगी शायद, बाकी होती है। दिशा में एक दो बार ऐसा हुआ हुआ है। चलो, कुछ बच्चे क्या बना दे कुछ नहीं, बाकी जो सबसे अच्छी बनाई होगी उसकी उठा लेंगे फिर तो। वो ढूंढेगा जिसने बनाई थी नोट्स, कहाँ ऐसा है, मेहनत कर करके। चलो, कहाँ थे नोट्स? इतनी गंदी बनाऊ, चोर अगर चुरा भी ले तो वापिस रखना है, जैसे कि प्रथम बनाया करता है। कहाँ थे? अपने को ही समझ में आए, अपने को ही पढ़ने का खास खबर पड़े, कहाँ कहाँ क्या है, बस वही ले जाए, पछता के वापिस रख के जाए। कहाँ थे? हो गया ना, ये अलग अलग था। ये सब एच ए मतलब एसिड है। उसने ये बोला था कि कोई भी एसिड आपके पास एच ए है, उसको आप पानी में डालो, इसमें डालो पानी में, तो वो बनाएगा एच प्लस और ए माइनस, और उसमें एच प्लस डिसोसिएट होगा। दो होंगे तो भी दो एच प्लस होंगे, मान लो एच टू ए है तो फिर क्या होगा, टू एच प्लस और ए माइनस टू। ये आयन एस का कहना था, बस यही कहना चाहता था आयन एस, कुछ उसने ज़्यादा कहना नहीं था। क्लियर? बेस के बारे में इसने बोला था एम ओ एच, क्या बोला था? एम बोले तो मेटल, एम बोले तो मेटल में सोडियम मैग्नीशियम बहुत सारी मेटल ले सकते हो आप, एम बोले तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है एम के बदले, है कि नहीं? चलो, अभी बात ये है कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हमारे पास एन ए ओएच है, इसको अगर पानी में डाला जाए एन ए ओएच को, क्या बनाई गई है? एन ए प्लस और ओ एच माइनस, ये ओ एच माइनस डिसोसिएट करता है एक्वियस सॉल्यूशन में, तो इसको बेस कहते हैं। एम ओ एच बेस का सिग्निफिकेंट होता है, मतलब संज्ञा एक टाइप की साइन है उसका, ओ एच ए जो है वो एसिड का है। बेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एम ओ एच होता है, एम ओ एच ट्राइस होता है, एम ओ एच फ्राइस होता है, एम ओ एच फ्राइस होता है, है कि नहीं? देखो ये एम ओ एच है, ऐसा यहाँ पे टू हो सकता है, थ्री, हम यहाँ पे एन लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एम ओ एच एन दिमाग है हमारे पास, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एम ओ एच एन, एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, एन वन मोनोबेजिक डायबेजिक ट्राइबेजिक एक्सेट्रा, गलत, एसिडिक, क्या कहेंगे? एसिडिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, टेट्रा एसिडिक, बेस एसिडिक होता है एसिड, इसलिए एस, बाद में पता चलेगा। एसिड के पास बेसिसिटी होती है, बेस के पास एसिडिटी होती है, समझे? उल्टा पुल्टा रहता है थोड़ा। ये तो आई एन एस का बात, आई एन एस ने क्या बोला था, एच प्लस डिसोसिएट होगा वो एसिड है, ओ एच माइनस डिसोसिएट होगा वो बेस है। सबसे बड़ी बात आई एन एस ने कहीं कही थी है कि ये सब कहाँ होगा, और वही उसकी सबसे बड़ी, और कल हम प्रूफ करके रहेंगे कि क्या गलती कर गया बंदा, है ना।